कैलाश विजयवर्गीय के, आपको बताया, इंदौर महापौर रहते हुए सामाजिक पेंशन घोटाले की रिपोर्ट सरकार जल्द पेश करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसकी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के परीक्षण के लिए कैबिनेट कमेटी ने इसके लिए काम तेज कर दिया है। बता दें कि 26 फरवरी 2000 को हुई एमआईसी की बैठक में पेंशन बांटने के लिए अध्यादेश को नहीं बदला गया था। पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर से देना प्रस्तावित था, लेकिन इसे सरकारी संस्थाओं से बांटने का निर्णय लिया गया है। 10 साल पहले उजागर हुए पेंशन घोटाले में तत्कालीन भाजपा सरकार मौन रही, लेकिन अब कमलनाथ सरकार इस घोटाले को उजागर करने की तैयारी में है।